पाब्लो एस्कोबार के जीवन के शुरुआती दिनों में संघर्ष भरी जिंदगी में भी काफी मासूमियत थी। मिले एक ऐसे लड़के से जिसके सपने उतने ही बड़े हैं जितनी चुनौतियों का उसने सामना किया। उसका करिश्मा क्लासरूम में स्पष्ट था, जहां वो अपने साथियों के साथ जुड़ा रहा और अनजाने में उसने एक अलग रास्ता चुन लिया। लेकिन उसका जीवन कठिन था। कठोर दुनिया की वास्तविकता का असर उसके परिवार पर पड़ा। एस्कोबार गरीबी की साए में रहा और मुश्किल चुनौतियों का सामना किया। It's just you and me. School is in session, baby, but I don't play. I know you wanted to go to recess, but I take that away. What? Understand I'm the man, even if you had a plan. If you make 200,000, I'm keeping 100 grand. Wait a minute. Because I'm pimping you, bitch. This is America, so why not get rich? When you're searching for your music. हवाएं बदल गई, जिसने पाब्लो को जुर्म के रास्ते पे डाल दिया। एक ऐसा रास्ता जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। कोकेन एक ऐसा ड्रग जो एक शक्ति का एहसास देता है। पाब्लो का इस दुनिया में आना एक खतरनाक कहानी की शुरुआत है। किस्मत का पहिया जोर से घूमने लगा, सौदे होते रहे और गठबंधन बनते गए और पाब्लो का प्रभाव अग्नि की तरह बढ़ता गया। लेकिन उसकी नजर अपने देश से आगे थी। एक बड़े ऑपरेशन का समय आया जो पाब्लो के सपनों को सच कर सकता था। पूरी दुनिया में उसका नाम फैला। जब हेडलाइंस में उसका नाम आया, पाब्लो एस्कोबार द राइजिंग किंग पिन। पैसा और दौलत की तो बारिश हुई। पाब्लो एक बड़ी जिंदगी जी रहा था, अपने पैसों से घिरा हुआ कभी ना खत्म होने वाला साम्राज्य। लेकिन हर राजा के पीछे उसके दुश्मन भी होते हैं। ताकत के साथ जांच पड़ताल भी आती है। कानून का साया एस्कोबार के साम्राज्य पर एक खतरनाक साय की तरह साबित होने लगा। दुनिया भर में पाब्लो के कनेक्शंस बढ़ते गए। कोकीन का ये जाल जो फैला था देश विदेश में, अंधेरे में दुश्मन ने दुश्मन से हाथ मिला लिया। एस्कोबार के खिलाफ ये खेल एक शतरंज की तरह है, जहां हर एक चाल मायने रखती है। बंद दरवाजों के पीछे एक ड्रग लैब है जो एस्कोबार के दोषी होने का सबूत है। अपने साम्राज्य के बीच में खड़ा हुआ एस्कोबार, जो पूरे नियंत्रण के साथ बड़े पैमाने पे ड्रग्स के धंधे को देखता था और उसे कंट्रोल करता था, लेकिन दुश्मन एक साथ आने के बाद तनाव बढ़ता गया। एक ऐसा धमाका जो बस फटने की कगार पर था, और ये धमाका एक रेड के रूप में आया, जिससे एस्कोबार की धन से बनाई हुई दुनिया पर एक खौफ सा छा गया। और इसके बाद एस्कोबार मेंटली डिस्टर्ब हो गया और अब पूरी दुनिया उसका एक काला सच जानती थी। अब पाब्लो एक चौराहे पे खड़ा है, एक निर्णय जो उसका सब कुछ वापस ला सकता है। एस्कोबार ड्राइवर कार्टर लीडर के साथ नेगोशिएट करता है, ये जानते हुए भी उसका हर एक कहा गया शब्द उसका आखिरी हो सकता है। कानून अब तेजी से काम करने लगा है। देश भर में पाब्लो के वांटेड पोस्टर्स चिपका दिए। खतरों के साथ खेलते हुए एस्कोबार अपनी चालाकी दिखाता है और बाल बाल बच निकलता है। ये दुनिया अब एस्कोबार के लिए एक शतरंज के खेल जैसी, और एस्कोबार इस खेल का एक माहिर खिलाड़ी बन चुका है, जो अपनी हर एक चाल सोच समझ कर चलता है। और ये वो पल है जिसका एस्कोबार इंतजार कर रहा था। एस्कोबार अब कानून से लड़ता है, पुलिस वालों को जान से खत्म करने लगा।